हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ की जो एक्सरसाइज है बच्चों 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे डिटेल में कंस्ट्रक्शंस का। कह रहे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द आल्सो द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का जस्टिफिकेशन भी आपको देना है। तो पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स। और उनकी लेंथ्स को भी हमें मेजर करनी है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो मैं चीज़ जो फिगर बना रहा हूँ, जो जो भी चीज़ करूँगा वो करूँगा बच्चों, किससे वो करूँगा मैं पेन से, ताकि आपको डार्क दिखे। सबसे पहले काम हमें बोल रहा है कि आपको रेडियस 6 सेंटीमीटर लेना है। मैंने 6 पे रखा और इसको ले जाना 0 तक, ये देखो, ठीक है, 6 एग्जैक्टली। तो इसको मैंने यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ रखा और इस टाइट कर लेना, ढीला होगा तो फिर आपका फिगर सही नहीं बनेगा, ये ध्यान रखा, ठीक है। और बार बार भी नहीं करना है, एक ही बार में बनाना है, ठीक है। बार बार करोगे तो वो मोटी पतली हो जाएगी, फिर बहुत ही पॉइंट पे फर्क आ जाता है। ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर का नाम मैंने ओ दे दिया। कभी कभी हो सकता है कि आपको स्टेप्स भी बोल दें कि आपने कैसे बनाया, कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स भी लिखो। तो जो जो चीज़ आप कर रहे हो ना, स्टेप वाइज उनको लिख दो, वो कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स हो जाता है। फिर हमें बोला है कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर, देखो ये 6 है ना, ये देखो, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है और इससे 10 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पर सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या ले लिया, पी ले लिया। अब स्टेप्स ऑफ का कैसे किया जाता है, ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी क्वेश्चन में भी इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्कल पर, और हम जानते हैं दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल आएगी, ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है ना, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हमें मीट करना है, मिलाना है, ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, हमें इसका एंगल बाइसेक्टर लेना होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, मैं इससे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, बाइसेक्टर इधर से भी किया, इसको बिना हिलाए डुलाए मैंने इस वाले पॉइंट को मेरे को यहाँ रखना है, और यहाँ से भी किया, ठीक है। आपको दो कट पॉइंट दिख रहे होंगे यहाँ पे और यहाँ पर, इसको मैच करते हुए हमें क्या करनी है, एक लाइन खींचनी है, ये वाला पॉइंट हुआ और ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। जब हमने इसको किया ना, तो एक हमें सेंटर मिलता है, एक नया ओ डैश बोल दो इसको। अब इस ओ डैश को सेंटर मानते हुए, ओ डैश को सेंटर मानते हुए, और ओ पी आपका रेडियस हो जाएगा, और ओ ओ डैश ओ भी आपका रेडियस हो जाएगा, एक नया सर्कल बनाना है, ठीक है। देखो, जो जो कि इन दोनों पॉइंट से होता हुआ जाएगा, दोनों पॉइंट से क्या हुआ, होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कट पॉइंट मिला, यहाँ पर एक कट पॉइंट मिला, इस वाले कट पॉइंट का नाम ए दे दो, इस वाले कट पॉइंट का नाम आप बी दे दो, और फिर इस ए पॉइंट को पी से और इस बी पॉइंट को पी से मिला दो, मैच करो, ठीक है। सो आपको आपका क्या मिल जाएगा, इससे इसको मिलाया और इससे इसको मिलाया, ठीक है। तो ये आपके क्या बन गए, ये आपके बन गए टेंजेंट, जो कि आपको बनाना था, ठीक है। अब देखिए, ये आपका टेंजेंट है, ठीक है, ये आपका टेंजेंट है, और ये आपका क्या है, आपको टेंजेंट की लेंथ भी माप के लिखनी है। टेंजेंट आपका क्या होगा, बाय 10.2 थ्योरम,
हम जानते हैं कि जो ए पी होगा वही आपका पी पी होगा, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल आएगी। अब एक तरीका तो यह है, ठीक है, अब मापो, हम जस्टिफिकेशन भी दे देंगे इसका, ठीक है। एक ये है, जैसे यहाँ से तो ये कितना है, ये देखिए पूरा एट आ रहा है, ठीक है, ये भी एट है, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा। सो आपका ए बी आपका एट आ रहा है, एट सेंटीमीटर, तो ए पी भी एट सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ए पी और पी बी ये दोनों के दोनों कितने होंगे, एट सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। अब हमें इसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है, ठीक, जस्टिफिकेशन देनी है, तो देखो जस्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन भी मैं बहुत सिंपल रखूँगा। जस्टिफिकेशन आप इसको कई फॉर्म कई टाइप में दे सकते हो, दो तीन तरीके हैं, लेकिन जो सिंपल वे हैं वही मैं बता रहा हूँ, सिंपल वाला। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लोगे, सब जो जो चीज़ आपने किया उसको नंबर ऑफ स्टेप्स में लिखते रहो, आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बन जाएंगे, जैसे पहले चैप्टर में भी आपने किया था या छोटी क्लास में भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो। अब हमें क्या करना है, देखो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमें शो करनी है ना जस्टिफिकेशन में, जो ये बताना है कि ये जो ए पी है और ये जो पी बी है टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैंने ये कंस्ट्रक्शन करना है, ए से ओ को मैच करूँ, ठीक है, मैंने ए से ओ को मैच किया, बी से भी ओ को मैच करना है, ठीक है, बी से भी ओ को मैंने मैच कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को शो करना है कि ये ए पी टेंजेंट्स हैं, ये जो ए पी और ये जो पी बी वो टेंजेंट्स हैं। देखो अगर बेसिकली अगर फिगर को ध्यान से देखोगे, ये क्या है बच्चों, एक सर्कल है, आपने क्लास नाइन्थ में भी क्या पढ़ा है कि सर्कल की ये क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल पे अगर कोई भी ट्रायंगल बनाओगे तो जो आपका डायमीटर होता है उसके सामने वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। सबसे तो ये चीज़ प्रॉपर लिखनी है सिंस, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जस्टिफिकेशन में मीट ई ओ एंड बी ओ, ठीक है, इन सेमी सर्कल, इन सेमी सर्कल, वी नो दैट करके भी लिख सकते हो, इन सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, डायमीटर के सामने ये बन रहे, तो जो पी ए ओ एंगल है, एंगल पी ए ओ ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड एंगल पी बी ओ ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। ये भी तो भाई सेमी सर्कल है, इसके अंदर ट्रायंगल बन रहा है, तो सामने वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा। अब देखो बेटा, ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या देखना है हमें, ये सेंटर था, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर ओ है, और ओ बी क्या है एक्चुअली, इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, और ओ ए क्या है, इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, ठीक है, और यहाँ बन रहा है 90 डिग्री, और ये एक लाइन इसको टच करती हुई चली जा रही है। रेडियस परपेंडिकुलर ऑलवेज किस पर होती है, टेंजेंट पर होती है। रेडियस परपेंडिकुलर ऑलवेज किस पर होती है, टेंजेंट्स पर होती है, ठीक है, यही तो हम जानते हैं। सिंस ओ ए एंड ओ बी इज द रेडियस, ठीक है, ये रेडियस है, एंड ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है पी बी पर, एंड ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है पी ए पर, विच इज ओनली पॉसिबल इफ ए पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स, वरना पॉसिबल हो ही नहीं सकता, किसके द्वारा, बाई 10.1 थ्योरम, ठीक है। हैंस क्या हो जाएगा, ए पी एंड पी बी आर टेंजेंट, यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो आपका जस्टिफिकेशन था, आराम से हो गया, एकदम सिंपल तरीके से।